आज बाबा को थोड़ा सा समय दे दो ना, ये भी तो इंतजार करता है कि कभी ऐसा कीर्तन हो कि पूरा का पूरा इसका दरबार भरा रहे। आप क्या समझते हो श्याम बाबा आपके मक्खन का इंतजार कर रहे हैं? आप क्या समझते हो श्याम बाबा के आपके बाजरे की रोटी का इंतजार करता है? ये सब वो देता है आपको, ये सब काम कर सकता है, एक ही काम नहीं कर सकता, ये भजन गा नहीं सकता, ये सुन सकता है। पर वादा करता हूं आपको, लिख कर ले जाना अपने घर में, रोज एक भजन बाबा, रोज एक भजन बाबा को सुना दिया करो अपने घर के अंदर में, फिर देखो कैसा राम राज्य करके देता है। खाना बनाते हो ना, आज भी अगर आप चाहते हो कि कर्मा भाई का खिचड़ी खाया आपका भी खाए, तो घर के अंदर में रसोई बनाते समय इसको भजन सुनाया करो। भजन नहीं आता ना तो सीढ़ी लगा दो कमरे के अंदर में, और उसकी आवाज के साथ साथ खाना बनाते समय आप भी उन लाइनों को गुनगुनाने लग जाया करो। शाम सामने में है, झूठ नहीं कहता, वो खाना खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा और उसका भोग लगाने के लिए निश्चित आएगा। मेरी सात पीढ़ियों में भी कोई नहीं जानता था शाम को, मुझे भी किसी ने इसी तरह कहा जैसे मैं आपको कह रहा हूं। रात को मिलता था तो सुबह को मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं थी, हालात इतने बद से बदतर थे, अंधेरा था जिंदगी के अंदर में। किसी श्याम प्रेमी ने हाथ पकड़कर कीर्तन में ले जाकर खड़ा कर दिया, गाने का मुझे शौक था। किसी ने देख लिया कि मैं स्कूल में देशभक्ति के गाने गाता हूं, मुझे कहा बाबा को एक भजन सुना दे, और जिस दिन बाबा को भजन सुनाया उस दिन के बाद इतना दिया, रखने की जगह नहीं है, देने में आज भी कमी नहीं है। और कोई अगर दौलत से तौले तो मैं क्या बताऊं, इनके सामने खड़े होकर कहता हूं इतना दिया कि शायद अंबानी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं कि मुझे अंबानी से ज्यादा दिया बाबा ने। ये सच्चाई है प्रेम की।